योगी कैबिनेट में घटा केशव प्रसाद मौर्य का कद। क्या सीएम योगी ने कतरे डिप्टी सीएम मौर्य के पर? क्या सिराथू से हार की मिली केशव मौर्य को सजा? केशव प्रसाद को क्या सिर्फ फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही बीजेपी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि खुलकर न तो केशव मौर्य बोले न ही सीएम योगी, लेकिन गाहे बगाहे खबरें सियासी गलियारों में तैरती ही रहती है। और 2017 में मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस भी केशव प्रसाद मौर्य की बातों में साफ तौर पर झलकता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और यही हुआ केशव प्रसाद मौर्य के साथ। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब वो पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। और इसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब सीएम योगी ने मंत्रियों के कैबिनेट का बंटवारा किया। और 2017 में जो विभाग केशव प्रसाद मौर्य के पास था, उसे नए नवेले भाजपाई बने जितिन प्रसाद को दे दिया। 2017 में केशव के पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, 2022 में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जितिन प्रसाद को मिला। केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया। विभाग के बंटवारे से ही समझा जा सकता है कि भले ही केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन अब उनके पास न वो ताकत रही। जानकारों का मानना है कि दरअसल सीएम योगी से जिस तरह की अदावत केशव प्रसाद मौर्य की थी, उसकी वजह से ही उनके पर कतरे गए। 2017 में बीजेपी ने जिस तरह से प्रचंड जीत दर्ज की थी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हाथ बताया जाता है। उस वक्त केशव को उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में योगी के नाम पर मुहर लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खटपट शुरू हो गई थी। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि चूंकि केशव प्रसाद मौर्य इस बार अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, इसीलिए अब उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। ऊपर से सीएम योगी से मनमुटाव, ये दोनों बातें केशव प्रसाद मौर्य के लिए नेगेटिव साबित हुई। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर सीएम योगी उनके पर कतरना चाहते थे, तो फिर उन्हें क्यों हार के बावजूद उप मुख्यमंत्री बनाया गया? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता हैं, हार के बावजूद पिछड़ों पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। बीजेपी केशव को मंत्रिमंडल से बाहर कर पिछड़ों को नाराज नहीं करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिराथू से केशव को हार मिली है, लेकिन पिछड़ों के वो इस वक्त खासकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे हैं। और 2022 का चुनाव बीत गया, लेकिन बीजेपी की नज़र अब 2024 के आम चुनाव पर है। और बीजेपी को डर है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, तो फिर केशव के समर्थक नाराज हो सकते हैं। इसीलिए बीजेपी ने एक तरफ जहां केशव को उप मुख्यमंत्री बनाकर पिछड़ों को साधने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय को उनसे छीनकर जितिन प्रसाद को देकर योगी आदित्यनाथ को भी खुश करने की कोशिश की गई है। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल इस हालत में नहीं है कि वो एक अहम मंत्रालय जाने की शिकायत कर सके, क्योंकि वो खुद अपनी सीट हार चुके हैं। और इस बार चुनाव का मुख्य चेहरा योगी आदित्यनाथ थे, इसीलिए वो उनसे नाराजगी जाहिर कर अपने लिए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहेंगे।